हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्मल भूतिया और आप सभी का मैथ्स बाय निर्मल्स कंसेप्ट में स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आज हम इस लेक्चर में एसएससी सीजीएल 2018 प्री और मेंस में जितने भी शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे, उन सब में से जितने भी क्वेश्चन थे परसेंटेज के, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले। और ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इस लेक्चर में ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि हम कंसेप्ट रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाएंगे कि भाई इस सवाल का कितने तरीके हो सकते हैं, हम कैसे इनको ऐसे कर सकते हैं, हम कैसे, भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कैलकुलेशन की, हम कैलकुलेशन कैसे तेज करें, क्योंकि हर एक बच्चा सवाल कर सकते हैं। आज ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सवाल नहीं कर सकता। मैं आपको 4 घंटे दे दूँ मैथ्स करने के लिए तो आप हर 100 सवाल कर दोगे, पर टाइम मिलता है आपको 2 घंटे 100 सवाल करने के। उन 2 घंटे में 100 सवाल कैसे करें और कैसे हम अपना टाइम बचाएं, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन प्री में और 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग के होते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। यदि हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती तो पेपर छूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे तेज करनी है। और रही सही बात कि अब आप सभी को पता है कि TCS पेपर कंडक्ट कराने लग गया है, तो TCS क्या करता है कि अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करता है बजाय एडवांस पार्ट के, क्योंकि वो क्या करता है बैंक लेवल पे जाता है, मतलब बैंक में जैसे वो पूछता है वैसे ही। आपने आपकी बार देखे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ ही रहा था और वो अधिकतर बच्चे छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बैंकिंग की आदत नहीं है, उनको एसएससी की आदत है, कभी सिंप्लीफिकेशन पूछा ही नहीं। अब आने वाले में क्या पता प्रोबेबिलिटी भी आ सकता है, आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, तो आपको अब हर एक चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एसएससी हो। क्योंकि TCS ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए एक अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं परसेंटेज से इसीलिए चालू कर रहा हूँ कि क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। यदि परसेंटेज यदि आपको आएगा तो बाकी के हर एक चैप्टर आपको इजीली आते जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर परसेंटेज पे। और यहाँ पे लिखा है सिर्फ 5 सेकेंड, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया कि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में पूरे कर सकते हो। तो आइए हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, और ये पहला क्वेश्चन था मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हमें देखो क्या बोल रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। हिंदी में भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x परसेंट की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका पता है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और सेकेंड वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। और आपने जो कंसेप्ट देखा है वो सिर्फ इंटीजर के लिए अप्लाई होता है, वो फ्रैक्शन में आते ही आपको अलग अलग वैल्यू माननी पड़ेगी, जैसा फ्रैक्शन होगा वैसे ही आपको वैल्यू माननी पड़ेगी। पर यदि आप सेकेंड मेथड देखते हो तो आपको फ्रैक्शन कोई मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपको ये करना है। अब देखो भाई, पहला जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, यदि मेरी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी पहले, अब ये 25% की कमी हो गई तो अब ये कितनी रुपये हो गई, 75 रुपये हो गई। हाँ या ना, अब ये बोल रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। यदि मेरा पहले रेवेन्यू 100 रुपये था, अब 20% की वृद्धि हो रही है तो मेरा 100 से कितना हो जाएगा, मेरा 100 से हो जाएगा 120। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो देखो बच्चों, यदि छोटा वाला ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, यदि नीचे वाला बड़ा होगा तो हमेशा हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यदि नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा होगा तो हमेशा हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा जो नीचे वाला है वो बड़ा है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और हमें इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा भाई, 75 से 120 लाने के लिए मुझे 45 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और कितने पे करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी उस पे हमें इंक्रीमेंट करना होता है,
तो 75 पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब परसेंटेज लगाना है, तो ये बिगनर्स के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100% इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगनर भी होंगे जो देख रहे होंगे। अब मैं 15 से इसको काट देता हूँ, 15 थ्रीजा और 15 फाइजा। अब जिनको पता है भाई 3/5 क्या होता है, तो 3/5 होता है बच्चों 60%, और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। और यदि हमें बिगनर के लिए मैं सोचता हूँ तो इसको मैं वापस एक बार 20 से कर देता हूँ, और 3 × 20 कितना हो जाएगा 60%। ये आपके इस सवाल का उत्तर है। और यदि आपको ऐसा पता है कि हमें पता है 1/5 कितना होता है बच्चों, 1/5 होता है 20%, और हमें 3/5 चाहिए, तो मल्टीप्लाई में मैं दोनों जगह क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 60%। कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, पर सबसे बेस्ट है कि आपको 3/5 पता होना चाहिए कि 3/5 कितना होता है 60%। आप 100 से मल्टीप्लाई करो चाहे न करो कोई बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हमने क्या किया भाई, एक प्राइस है उसमें 25% रिड्यूस हो गया, तो 100 से कितना हो गया 75। अब मेरा रेवेन्यू यदि पहले 100 रुपये था, तो अब मेरा रेवेन्यू कितना हो गया है, 20% से इंक्रीमेंट हो गया। हमने यहाँ पे, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ने सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने सक्सेसिव इसी नहीं लगाया, क्योंकि देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू सेल इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू। अब हम सक्सेसिव कब लगाएंगे, जब हमें प्राइस भी पता होगी और सेल्स भी पता होगी, तब हम सक्सेसिव लगाते हैं। पर अभी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें प्राइस और रेवेन्यू दिया है, तो हमारा सक्सेसिव नहीं लगेगा। हम जो मेथड मैंने बताया वो मेथड आपको करना पड़ेगा, और वो मेथड एकदम नॉर्मल है, वो सब लोग बताते, पर जो अच्छा मेथड है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वो आपको फ्रैक्शन में भी वही वैसे करना है, और जो वैल्यू आएगी उसमें भी वैसे ही करना है। और जो मैंने अभी हमने जो जो मेथड देखा है, वो मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब वैल्यू आपके इंटीजर में होगी तब वो मेथड बहुत जल्दी होगा। जब वैल्यू किस में होगी, वैल्यू होगी इंटीजर में। इंटीजर का मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये 25% भी इंटीजर है, और यहाँ पे ये 20% भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो जब वैल्यू इंटीजर में हो तब जो पहला वाला मेथड है वही लगाना है। सेकेंड मेथड में थोड़ा सा लेट हो सकते हो आप करने में, पर इम्पॉर्टेंट वो वाला मेथड है, वो मेथड आपका फ्रैक्शन में भी काम आएगा और हर जगह काम आएगा। तो हमने सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि हमें प्राइस और सेल्स नहीं दिए, हमें प्राइस और रेवेन्यू दिया है, इसीलिए हमने सक्सेसिव नहीं लगाया और हम वो वाले मेथड की ओर बढ़े थे आगे। अब देखो जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो क्या है, अभी देखो बच्चों, अभी क्या आता है, सेल्स और प्राइस, वो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रेवेन्यू आएगा, हाँ है ना। अब मैं मान लेता हूँ सेल्स हमें दी नहीं है ना, तो सेल्स को ओरिजिनल को ओम मान लेता हूँ, न्यू को न्यू मान लेता हूँ एन। अब प्राइस कितने परसेंट से रिड्यूस हुई, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले 4 थी, अब रिड्यूस हो गई 1 से तो 3 हो गई, हाँ है ना। और रिसिप्ट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% का, तो रेवेन्यू पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6, क्योंकि 20% होता है 1/5। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू कैसे आएगी, ओरिजिनल वैल्यू ऐसे आएगी, हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी, ओरिजिनल, और मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ, ओरिजिनल आपकी आपकी 15 और न्यू आपकी आ गई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो 24। अब इसको मैं काट सकता हूँ किससे, 3 से काट सकता हूँ, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। तो मुझे इंक्रीज करना है या डिक्रीज, तो इंक्रीज ही करना है, क्योंकि 5 से कितना हो रहा है 8 का, कितना का इंक्रीज हो रहा है 3 का, कितने पे, 5 पे। और 3/5 कितना होता है बच्चों, 3/5 60% होता है। यदि हम बिगनर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चीज़ें करने से ही आएगी आपको। यहाँ पे 20 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 60%। ये मैंने बिगनर के लिए बताया, आपके लिए नहीं बताया, जो तैयारी कर रहा है क्योंकि उनके लिए नहीं है, आई बात समझ में। तो हमने क्या किया भाई, सेल्स हमें पता नहीं थी, तो सेल्स हमने एस मान ली और प्राइस पी और रेवेन्यू है, सेल्स इनटू प्राइस करूंगा तभी रेवेन्यू आएगा। ओरिजिनल में सेल्स को ओ मान लिया और न्यू में सेल्स को एन मान लिया। अब यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो गई तो 4 से कितना हो गए बच्चों 3 और रेवेन्यू 5 से 6। अब हमेशा जब हमें ओरिजिनल और न्यू नहीं है तो ओरिजिनल क्या होगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और न्यू को भी इधर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में, हाँ या ना। आगे बढ़े, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, पहले मुझे वापस से पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन भी यही क्यों लिया है, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। यदि आप प्री के पेपर भी लगा चुके होते
तो मेंस में आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन थे और ये सेम क्वेश्चन है, वैसा ही सिर्फ वैल्यू चेंज थी आपकी मेंस में। देखो भाई, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट, ऐसा ही था सेम क्वेश्चन। इफ देर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 60% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में एक्स परसेंट की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो एक्स का मान क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, हमें सक्सेसिव नहीं लगाना क्योंकि प्राइस और सेल हमें नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है प्राइस और रेवेन्यू। तो भाई क्या करेंगे हम, वैल्यू इंटीजर में तो वो वाला मेथड जो पहले वाला मेथड था हमारा, इसीलिए 20% की रिड्यूस हो गई तो 100 से कितना हो गया भाई 80। अब मुझे रेवेन्यू 60% से इंक्रीज करना है तो 100 से कितना हो जाएगा ये 160। अब देखो भाई बच्चों, नीचे वाला बड़ा है तो हमें हमेशा इंक्रीमेंट ही करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा भाई, 80 से 160 जाना है तो 80 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितने पे, 80 पे ही करना पड़ेगा। परसेंटेज लगाऊंगा तो इनटू क्या कर दूंगा 100, 80 से 80 एक बार कट जाएगा और आंसर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 100%। ये फ्री का क्वेश्चन था 100। अब देखो यदि पहले हमने क्या किया, देखो प्राइस रिड्यूस हुआ है 20%, तो 100 से कितना हो गया बच्चों 80, और मुझे जो रेवेन्यू है उसमें 60% से इंक्रीज करना है तो 100 से मुझे कितने पे जाना है 160 पे। तो भाई मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 80 से 160 बनाने के लिए, मुझे 80 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितने पे, इस 80 पे ही करना पड़ेगा और परसेंटेज लगाना तो इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन, तो 80 से 60 करके आंसर क्या आ गया 100%। अब मैंने जो आपको तरीका बताया उससे भी होगा ये, देखो हम करके देखते हैं, पर जब इंटीजर आएगा तो हमें ये वाला ही मेथड लगाना है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ पूरी स्क्रीन को। देखो भाई हमें सेल्स, प्राइस और रेवेन्यू, क्योंकि हमें सेल्स नहीं पता इसलिए हमने सेल्स को ऊपर रखा, ओरिजिनल का ओ और न्यू का एन। अब प्राइस 20% से रिड्यूस हो गए, मतलब 5 से कितनी हो गए बच्चों 4, और 60% से इंक्रीज, 60 का मतलब 3/5, मतलब पहले प्राइस, पहले रेवेन्यू हमारी 5 थी, अब 3 से इंक्रीमेंट हो गया तो रेवेन्यू अब कितनी हो गई 8 हो गई। हाँ है ना, वही ओरिजिनल और न्यू, यदि ओरिजिनल की वैल्यू यहाँ पे लेनी है और न्यू यहाँ पे लेना है तो क्या करेंगे भाई, ओरिजिनल क्या होगा 5, 4 ज़ा 20 और ये एन क्या होगा 8, 5 ज़ा 40, तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कितने का 20 का, कितने पे, 20 पे इंटू 100, तो 20 से 20 कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 100%। ये तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है, यदि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, 14 2/7 आ गया, जैसे 14 2/7 आ गया, फिर 22 2/9 आ गया, तो आप क्या करोगे, आप तो मानोगे 100, अब 100 मान दो होगा ही नहीं आपसे, तो यही इसीलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को करने के एक दो तरीके हमेशा पता होना चाहिए, एक तरीके पे अटक जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। जब वैल्यू हार्ड आने लग जाएगी, जब वैल्यू फ्रैक्शन में आने लग जाएगी, और आपको पता ही अब TCS पेपर बना रहा है तो वैल्यू फ्रैक्शन में वो देगा ही देगा आपसे, कैलकुलेशन वो करवाएगा ही करवाएगा, तो इसीलिए मैं आपके लिए इतना अच्छा लेक्चर लेके आया, आप इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी है, और आने वाले लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन द पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अब देखो भाई, रिड्यूस क्वालिटी, रिड्यूस मतलब कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू आप जो हिंदी वाले हैं, मूल्य इंटू खपत इक्वल्स टू व्यय होता है। हाँ है ना, हम सक्सेसिव कब लगाते हैं बच्चों, जब हमें प्राइस और कंजम्पशन दिया होता है तब हम सक्सेसिव लगाते हैं, पर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है तो हम सक्सेसिव नहीं लगाते। हमने जो अभी तरीका देखा उसमें क्या था, यहाँ पे उसमें यहाँ पे था प्राइस इंटू सेल इक्वल्स टू रेवेन्यू था, हमको प्राइस और रेवेन्यू दिया था तो हमने सक्सेसिव नहीं लगाया था, यहाँ भी हमें
प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, क्योंकि स्पेंड स्पेंड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है तो हमें कंजम्पशन निकालना है। तो इसके लिए वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा हमें जो हमने अभी देखा। तो आइए देखते हैं क्या है। अब इंटीजर में वैल्यू तो वो वाला मेथड लगाएंगे, भाई 100 से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, 19%, तो 119 हो जाएगा। अब सिर्फ उसको 12% ही एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ना, तो 100 से 112। अब बच्चों यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो नीचे वाला था वो ऊपर वाले से क्या था, बड़ा था। अब यहाँ पे जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। कितने का हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? 7 का। कितने पे? 119 पे। अब परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करना है तो मैं 100 यहाँ पे ही कर दूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करते हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे, यदि मैं 119 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरा भाई, 595। मुझे कितना चाहिए? 700। हाँ या ना? और यदि मैं 119 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, 714 आएगा। जो मेरा मुझे कितना लाना है, मुझे लाना है 700, और मेरा आंसर 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 714। मतलब थोड़ा सा ही तो ज़्यादा आ रहा है। और मुझे क्या पूछा है इसने, मुझे पूछा है नियरेस्ट टू एन इंटीजर। क्या बोला है इसने? नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6%। देखो हमने कैलकुलेशन कितनी आसान बना दी, हमको डिवाइड ही नहीं करना है, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है भाई नियरेस्ट है तो 119 इंटू 5 किया 595, ये दिमाग में हो जाना चाहिए भाई। 119 इंटू 5 मतलब 595, और मुझे तो 700 लाना है, मतलब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने 119 इंटू 6 किया तो मेरा आंसर क्या आया भाई, 714। और जो मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे आंसर लाना है 700। मेरा थोड़ा सा ही ज़्यादा आ रहा है और मुझे नियरेस्ट इंटीजर बोला, इसलिए मैंने आंसर क्या लगा दिया, 6%। आई बात समझ में? बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पे बोला है वो सेम क्वेश्चन आ गया, ये सब क्वेश्चन प्री के आए हुए हैं, मैंने एक साथ इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और आपको कैलकुलेशन भी मुझे सिखानी है कि कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है, इसीलिए मैंने एक साथ ये टाइप के एक ही टाइप के क्वेश्चन बना दिए। अब यहाँ पे जो क्या बोला, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, अब ऐसा भी, एंड द सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन द शुगर, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ शुगर परचेस। यदि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है और सुनीता चीनी पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करती है तो उसे कितना प्रतिशत चीनी की खरीदी को कम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 18% एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%, देन हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वही है, कंजम्पशन हमें ढूंढना है, हमें प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है। तो बच्चों प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर दिया है। सक्सेसिव कब लगाते हैं? जब हमको प्राइस और कंजम्पशन दिया होता तो हम सक्सेसिव लगाते। अब यहाँ पे हमें प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? देखो भाई, 100 रुपये पहले कीमत थी, अभी 18% से बढ़ गई तो ये कितनी हो गई बच्चों, 118। अब मुझे जो खर्चा है मुझे सिर्फ 12% बढ़ाना है, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 112। देखो बच्चों, छोटा जो नीचे वाला है वो छोटा है बट ऊपर वाले से, तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। कितने का? 6 का। कितने पे? 112% लगाऊंगा। तो सुनो, अब यहाँ पे देखो, यदि मैं 112 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, सॉरी हमें 118 पे करना पड़ेगा, ऊपर वाले पे करना होता है ना। यदि 118 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 590 आएगा, है ना। अब देखो मेरा आंसर कितना कम है, सिर्फ 10 कम है, और इसका 0.1% कितना होगा भाई, 118 का 11.8, तो मुझे 10 लाना है, मतलब मेरा आंसर 0.1 और जाएगा, मतलब 5.1 तक जाएगा मेरा आंसर, हाँ है ना। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5.1%। देखो इसको मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूँ, मेरा प्राइस 100 से अभी कितना हो गया, 118, और मुझे खर्चा सिर्फ 12% बढ़ाने, मतलब 112। अब देखो नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना, 6 का। कितने पे? 118 पे रिड्यूस करना पड़ेगा, वो परसेंटेज लगाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 00। अब यदि मैं 118 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 590 आएगा। अब मेरा कम कितना है बच्चों, मेरा कम है 10, और इसका 0.1 कितना होगा, 11.8
आठ होगा, और मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए, और इसने बोला नियरेस्ट, तो मुझे 0.1 ही बढ़ाना पड़ेगा बस, क्योंकि 0.2 0.3 तो बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि और ऊपर चला जाएगा, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा आंसर 5.1%। यही आपका उत्तर था, और सबसे इजी कैलकुलेशन यही है, इससे इजी इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, बेस्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सब कैलकुलेशन वाले इसीलिए मैंने एक साथ आपको रख दिया कि क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। फिर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 22% एंड सुनीता इंटेंट टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन शुगर। अब देखो भाई यही वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है आपकी। 100 से मुझे कितना बढ़ाना है, 22% मतलब 122। अब 100 से मुझे कितना बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ 12%, तो 112 हो गया। मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला छोटा है, कितने से, 10 से, कितने पे, 122 पे इंटू 100 कर दूंगा। अब कट रहा है थोड़ा, काट दो, कितना आएगा, 500/61। अब देखो यदि मैं 61 को 8 भाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 610 वो तो आएगा ही नहीं, है ना, और 8 से करूंगा तो 8 से अरे 8 से करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 6 8 48, यानी 488 होगा। अब मुझे कितना चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12, और यहाँ पे 0.1 का मतलब क्या है, 6.1 इंटू 2 करूँगा तो 12.2 हो जाएगा, हाँ है ना, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा 8.2, क्योंकि 7.8, क्योंकि अब देखो मुझे भाई मेरा 7.8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी मेरा 488 आ रहा है, मुझे लाना है 500, तो 7.8 कैसे होगा, 8 से ऊपर ही हो गया, और वो भी ऊपर कितना होगा वो हमें देखना है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 12। अब इसका 0.1 कितना परसेंट, 0.1 की वैल्यू क्या है इसकी, 6.1 है ना भाई, यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ से देखना है हमें, 6.1 है 0.1 की वैल्यू, इंटू 2 करूँगा तो 12.2 होगा, और मुझे 12 चाहिए मतलब नियरेस्ट इंटीजर में मुझे चाहिए, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 8.2%। आई बात समझ में, एक बार वापस बता देता हूँ आपको, भाई समझ में नहीं आ रहा हो तो, मैंने क्या किया भाई, 100 रुपये था मुझे इंक्रीमेंट करना है 22% का, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 122। अब मुझे सिर्फ मेरा खर्चा सिर्फ कितना होना चाहिए, सिर्फ 12% से इंक्रीज होना चाहिए, तो 112 हो गया। अब देखो नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कितने का, 10 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 122 पे, ऊपर 100 लगाना है, ये कट रहा है ना पहले काट दो क्योंकि ईजी बन जाएगा, 500 से 61। अब देखो 61 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 488 आता है, हाँ है ना, मुझे कितना चाहिए 500, मतलब मेरा कम कितना है अभी, 12 कम है। अब देखो इसका 0.1 कितना होगा, 6.1 इंटू 2 करूँगा तो 12.2 हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 8.2% होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता मैं क्योंकि मेरा आंसर बढ़ता जाएगा, वो बढ़ना तो हमें है ही नहीं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोग पता नहीं क्या क्या इसके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बच्चों से 40% निकाल रहे हैं, 60% निकाल रहे हैं, ये सब हमें करना ही नहीं है, हमें क्या करना है वो देखना है। देखो बच्चों हमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन द इलिटरेट फीमेल। सबसे पहले तो मैं आपको जो नॉर्मल तरीका जो लोग बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बाई मेल और फीमेल। भाई 55% मेल है तो 55 मेल हो गए, 100 मान लेता हूँ टोटल, और 45 फीमेल। अब लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे दो चार्ट बना रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मैं ना, ये करना नहीं है अपन को भाई। इलिटरेट यहाँ पे क्या है, इलिटरेट और यहाँ पे लिटरेट, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इलिटरेट और यहाँ पे लिटरेट, है ना। अब इलिटरेट कितने हैं भाई, लिटरेट है ना 40% मेल आर इलिटरेट, तो इसका 40% कितना होगा, 22, तो लिटरेट कितने हो गए हमारे, 23। और लिटरेट फीमेल कितनी है, 40% है, तो इसकी 40% कितनी हो गए भाई, 18, और इसका जो 60% है वो कितना हो जाएगा, 27। हमें इससे और इससे मतलब है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं।
हाँ यार, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कितने हैं भाई, 33 है ना, और इज मोर देन द डेट ऑफ इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल कितनी है भाई, 27। अब इसको मैं काट रहा हूँ, कितना आएगा, 11 भाई, 9। अब देखो कितना ज़्यादा है हमारा, 2 ज़्यादा है, कितने पे, 9 पे, इंटू 100, 2/9, आपको पता ही है 22, 2/9% होता है। यही सवाल का उत्तर था, जो कि हमें ऐसे करना नहीं है, दिस इज़ वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम, है ना, हमें ऐसे नहीं करना, हमें निर्मल कंसेप्ट से सीखना है भाई, हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। तो इरेज कर देते हैं पहले हम। अब देखो भाई, हमें परसेंटेज लगाना है तो हमें परसेंटेज से मतलब होना चाहिए, हमें वैल्यू से मतलब होना ही नहीं चाहिए भाई। 55% मेल है, तो मेल कितने हैं भाई, 55, और फीमेल कितनी है, 45। हाँ या ना। अब इसने क्या बोला है कि 40% इलिटरेट है, और हमें क्या चाहिए भाई, व्हाट परसेंट इज़ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। यदि भाई देखो 40% इलिटरेट है, तो 60% कौन होंगे, लिटरेट होंगे, है ना, और 40% फीमेल लिटरेट है, तो हमें तो इलिटरेट चाहिए, तो इलिटरेट कितनी होगी, 60% होगी, क्योंकि 40% तो लिटरेट है ना, तो इलिटरेट कितनी होगी, 60%। अब मल्टीप्लाइज, परसेंट लगाना है तो 100%, है ना, 60 से 60% कट गए, ये आएगा कितना, 11, और ये कितना आएगा, 9। कितना ज़्यादा है भाई, 2/9 इंटू 100। अब आपको पता है कि 1/9 कितना होता है, 11, 1/9, और 2/9 कितना हो जाएगा, 22, 2/9। ये इस सवाल का उत्तर था, देखो कितनी जल्दी हो गया सवाल, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना हमें कुछ निकालना पड़ा। अब बच्चों एक बात सुनो, यदि वो 42.5% दे देता आपको, तो निकालने बैठ जाते, रात हो जाते, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता, टाइम वेस्ट, वेस्टिंग ऑफ टाइम। इफ़ यू वांट परसेंटेज देन वर्क ऑन परसेंटेज, ओके। तो मैंने क्या किया भाई, 55% मेल थे, तो 55 मेल और 45 फीमेल। अब भाई 40% मेल इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने परसेंट होंगे, इस 55 का 60% होगा, हाँ है ना, और 40% फीमेल लिटरेट है, तो इलिटरेट कितनी होगी, इस 45 का 60%, यही तो हमें निकालना है। और इस 60% से 60% कट गया, इसको मैंने 5 से काट दिया, 11 और 9, तो कितना ज़्यादा है भाई, ये कितना ज़्यादा है, 11 कितना, 9 से कितना ज़्यादा है, 2, कितने पे, इस 9 पे ज़्यादा है, इंटू 100, तो 1/9 तुम्हारा होता है 11, 1/9%, तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22, 2/9%। आई बात समझ में, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ए इज 28% मोर देन बी, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंट विल बी सी मोर देन ए। अब देखो भाई, ए बी से 28% अधिक है, ए मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, सी। ए बी से 28% अधिक है, यदि ये 100 होगा तो ये कितना होगा बच्चों, 128, और सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, इसका सम कितना है, इससे 25% कम है, मतलब 228 का 25% 1/4 कम है, और ये 1/4 कितना हो गया भाई, 57, इसका 57 ये कम है, कितना कम है ये, 57 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 171। अब इसने पूछा है कि देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, तो सी भाई ए से कितना ज़्यादा है यहाँ पे भाई, 128, 171 में से 128 गया तो 43 आएगा, डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100% लगाना है, ये लगाना नहीं है बस मैं बता रहा हूँ। अब देखो भाई, आपको परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% इसका कितना होगा, 12.8। यदि मैं बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 50 से ऊपर चला जाएगा, और मुझे तो सिर्फ 43 रहना है, मतलब 40 तो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। यदि मैं 12.8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यदि मैं इसको 13 भी मान लेता हूँ, तो 13 इंटू 3 कितना होगा, 39, मुझे तो 43 लाना है, मतलब 30 से भी ऊपर जाएगा मेरा आंसर, तो 28 भी नहीं आएगा। अब देखो बच्चों कैसे करना है, देखो 128 का 1/3 कितना होता है, 128 का 1/3 होता है 42.66, और हमें तो 43 चाहिए, मतलब 1/3 से भी ऊपर होना चाहिए, और 1/3 फ्रैक्शन में कितना परसेंटेज को लगाऊंगा तो 33.3% होता है, मतलब 33.3% से भी हमारा आंसर क्या होगा,
ज़्यादा होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 33.6%। देखो बच्चों मैंने क्या किया कि भाई पहले मैंने बी को 100 माना, फिर 28% ज़्यादा है तो 128 हो गया। अब बोल रहा है सी इन दोनों के सम से 25% कम है, तो इन दोनों का सम कितना है 228, इससे 25% कम है, मतलब इसका 1/4 कम है। 1/4 इसका कितना हुआ 57, तो इसका 57 कम है, तो ये कितना आ गया 171। अब ए सी ए से कितना ज़्यादा है, तो सी ए से कितना ज़्यादा है 43 कितना पे 128 पे इंटू 100% लगाने के लिए करूँगा। अब मैंने माना कि 12.8 है, इंटू 4 करूँगा, मतलब 40% भी मैं लेता हूँ तो वो 48 से ऊपर चला जाएगा, तो मेरा 43 लाना है, मतलब 40% से ऊपर मेरा आंसर नहीं हो सकता। और यदि मैं इसको 13 भी मानता हूँ तो 13 इंटू 3 30% करूँगा तो भी 39 आएगा, मुझे 43 चाहिए, मतलब 30 से भी ऊपर जाएगा। दो ऑप्शन कट गए, बच कौन से गए आपके 33.6 और 32.2। अब 33.6 और 32.2 में कौन सा आएगा भाई, यदि मैं 1/3 लेता हूँ मतलब 33.33 लेता हूँ, यदि वो उससे ज़्यादा आएगा तो आंसर मेरा ज़्यादा होगा, तो इसका 1/3 कितना है 42.66 है ना, हाँ है ना, तो 42.66 है तो मेरा आंसर ज़्यादा ही है, तो मेरा 33.33 से भी आंसर ज़्यादा आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन था आपके पास 33.6। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये, इसमें कैलकुलेशन अच्छी है। अब देखो भाई कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है ना। देखो यहाँ पे अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, देन इंक्रीज बाय 14%, द नंबर सो ऑब्टेंड इज नाउ डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर। अब देखो भाई सक्सेसिव लग रहा है, पहले ये फिर वापस पूरे नंबर को 30% से रिड्यूस किया है, तो सक्सेसिव लगता है, तो भाई क्या फॉर्मूला होता है, दो होते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, हाँ है ना, तो भाई पहले मैं दो पे लगाऊंगा, बहुत इजी है, 14 प्लस 16, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस 14 इंटू 16 बाई 100। अब 14 इंटू 16 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 14 इंटू 16 को 15 माइनस 1 और 15 प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ, तो 15 का स्क्वायर माइनस 1, तो 225 माइनस 1 ये कितना हो गया 224, तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 30 प्लस 224/100, मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ वो हमारा कितना हो गया 32.24। अब 30% से क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है, तो ये अब x बन जाएगा हमारा, अगला जो 30% से रेड्यूस है वो -30, क्योंकि रेड्यूस हो रहा है तो मुझे -30 लेना पड़ेगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा -32.24 × 30/100, अब मुझे अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो भाई ये 24 को मैं हटा देता हूँ तो -2% हो जाएगा, माइनस इसमें 24 को हटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9.6, है ना। अब क्योंकि भाई यहाँ पे कितना आएगा 960 आएगा, और 960 को यदि मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 9.6, तो यहाँ पे कितना है 2 आएगा ना, क्योंकि 32 में से 30 घटाऊंगा तो प्लस का 2 आएगा, -9.6, तो यहाँ पे कितना जाएगा -7.6%। माइनस का मतलब हो रहा है मतलब वैल्यू क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 7% डिक्रीज। आगे बात समझ में, एक बार वापस से समझा देता हूँ अच्छे से, यदि नहीं समझ में आया किसी को तो। देखो भाई सक्सेसिव लगेगा, तो पहले 14 फिर 16 फिर 14 × 16/100, अब ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 30 प्लस 2.24, मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया मेरा 32.24% का। अब ये आपका x बन जाएगा और दूसरा y बन जाएगा, अब 32.24, अब दूसरा माइनस 30 क्योंकि रेड्यूस हो रहा है, फिर 32.24 × -30/100, हाँ है ना। अब देखो भाई यहाँ से मैं 24 काट देता हूँ तो 32 में से 30 गया तो प्लस का 2 है, और यहाँ पे यहाँ पे 24 काट देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा -960/100, मतलब 9.6 का रेड्यूस हो जाएगा -9.6, तो मतलब -7.6 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली -7%। आगे बात समझ में, और हमारा आंसर क्या था 7% डिक्रीज। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड द सेविंग डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो भाई देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होती है, हमारी इनकम होती है, मतलब खर्चा प्लस बचत हमारी आय होती है। हाँ ना, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80% ऑफ हिज इनकम मतलब स्पेंड कर रहा है, यानी 80% स्पेंड कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20%, और इनकम कितनी हो गई हमारी 100%। हाँ है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, और यहाँ पे मेरा इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है भाई 4, ये 1, और इनकम मेरी कितनी हो गई है 5। अब इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 12% से। तो देखो क्या करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हमें इंक्रीमेंट कितना चाहिए, 60% का प्लस का इंक्रीमेंट चाहिए। किसका इंक्रीमेंट चाहिए, प्लस का। यदि मेरी सेविंग कितने से डिक्रीज हो गई, यदि मेरी सेविंग 10% से डिक्रीज हो गई तो -10% हो गई, तो -10 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का 60, यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 60 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 70 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 70 माइनस 10 करूँगा तभी तो प्लस का 60 आएगा ना। तो प्लस 70% ओवरऑल इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसको 70 यानी सब पे भाई 4 पे 70% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इस 4 पे तो 70% का हो रहा है, तो हमें तो हमेशा 1 पे निकालना होता है, तो 1 पे कितना हो जाएगा 17.5%। बात समझ में आई। देखो हम वापस करते हैं एक बार, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरी। देखो भाई, एक्सपेंडिचर सेविंग और यहाँ पे आपके आ गई इनकम। एक्सपेंडिचर 4 है, सेविंग 1 है, और इनकम कितनी है 5। हमारी इनकम 12% से बढ़ रही है, तो मैंने इनटू 12 कर दिया, मतलब मेरे को ओवरऑल परसेंट कितने से बढ़ाना है, प्लस के 60 से बढ़ाना है, और मेरी जो सेविंग है वो 10% से रेड्यूस हो गई, तो -10%, मतलब 1 को -10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10% ही आएगा। मेरे को प्लस का 60% चाहिए, यहाँ माइनस का 10% आ गया, तो मुझे यहाँ पे प्लस का 70% करना पड़ेगा। हाँ है ना, और प्लस का 70% जो भी यहाँ पे रेशियो होता है उसे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70/4, विच इज इक्वल्स टू 17.5%। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। भाई साहब आ गया ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें क्या दिया हुआ है भाई, ये निर्मल कंसेप्ट ही बताएगा आपको इम्पोर्टेंट कैसे। ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी, सी इज 30% मोर देन डी, देन व्हाट परसेंट ए लेस देन डी। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई देखो, हमें ए बी का रेशियो आएगा, बी सी का आएगा, हमेशा रेशियो ये होना चाहिए ए बी, बी सी और सी और डी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, ए से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, डी से। यदि मैं इस पूरी लाइन को, यदि ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर ए आएगा, और इस वाली लाइन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, डी। यदि हमें ए और डी का जो रेशियो निकालना है तो हमें वो बी और सी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ए और बी का रेशियो, भाई ए इज 25% मोर देन बी, तो भाई ए यदि, बी यदि 4 होगा तो ए कितना होगा मेरा 5, क्योंकि 25% ज़्यादा है। बी इज 40% लेस देन सी, यदि बी 5 है तो 40% लेस है, मतलब ये 3 हो जाएगा। हाँ है ना। अब सी इज 30% मोर देन डी, यदि ये 10 है डी, तो सी कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 30% होता है 3/10, और 40% होता है 2/5, और 25% होता है 1/4। 1/4 ज़्यादा है, यानी 4 से 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 कम है, तो 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो 10+3=13। अब देखो, जब A और D निकालना होता है तो हम ये कट रहे हैं तो काट दो भाई आराम से, तो 13 × 3 कितना होगा 39, और D कितना आ जाएगा आपका 4×10=40। तो D A से कितना ज़्यादा है भाई,
सॉरी ए पूछा है, ए लेस देन डी, तो ए डी से कितना कम है, एक वो बट्टे में 40, और 1/40 परसेंटेज लगाना है तो 100। अब देखो मैं आपको वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। यदि मेरा होता 1/4 तो मेरा कितना परसेंट आता बच्चों, 25% आता। अब मुझे यहाँ पे एक जीरो चिपका दी तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चिपकाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2.5%। तो यही आपका इस सवाल का उत्तर था। देखो यदि आपको कभी भी ऐसा पूछे कि भाई 1.5% कितना होगा, तो सबसे पहले 15% निकालो, तो 15% कितना होता है भाई, 3/20। एक पॉइंट यहाँ पे चिपका है तो एक पॉइंट और चिपका दो यहाँ पे, 1.5 कितना हो गया, 3/200। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमसे 1/40 पूछा था, तो मैंने 1/4 निकाला है 25%, एक जीरो चिपकाया है तो एक पॉइंट यहाँ पे और कसका दो, तो कितना जाएगा, 2.5%। देखो वापस से मैं बता रहा हूँ आपको, हमें रेशो ये लिखना है कि ए से बी होना चाहिए, बी से सी और सी से डी। यदि मैं पहली लाइन को मल्टी, या शुरुआत कहाँ से हो रही है, ए से शुरुआत हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, डी से। जो यदि पहली लाइन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो शुरुआत हो रहा है वो आएगा, और एंड ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो एंड हो रहा है वो आएगा। अब यहाँ पे यदि कोई कट रहा होगा तो हम काट सकते हैं, क्योंकि ए और डी निकालना है तो हम कट रहा है तो पहले उसे काट देंगे। अब यहाँ पे ये वाला रेशियो आया, अब यहाँ से 5 से 5 कट रहा था, 13 * 39 और 4 * 10, ये ए आएगा आपका, और ये आपका क्या आएगा, डी। अब इसने पूछा था कि ए डी से कितना कम है, तो ए डी से कितना कम है भाई, एक कम है, डी पे पूछा है तो 1/40। अब मैंने इजी तरीका करने का क्या बताया, 1/4 25% होता है, 1/40 एक पॉइंट इधर का सक जाएगा तो 2.5% हो जाएगा। यही आपका इस सवाल का उत्तर था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हम वैसे करेंगे जैसे कि, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने का एक निर्मल कंसेप्ट आपको, इसको मैं करने के दो तरीके बताऊंगा आपको, पहला जो आपको आता है वो, और दूसरा जो आपको नहीं आता है वो। पहला क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेन ले लेता हूँ, अब इसने क्या बोल रहा है कि इन एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 1/3% लड़कियां हैं और बाकी के लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। मतलब देखो भाई, ये मौजूद मौजूद की बात कर रहे हो, और हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे निकलवा रहा है कि एबसेंट कितने। तो भाई हम मौजूद पे वर्क करेंगे क्या, बोलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ वर्क किस पे करेंगे, जो एबसेंट है उन पे वर्क करेंगे। और आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 83 1/3% क्या होता है, 5/6। यदि 6 में से 5 लड़कियां है, अब यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बॉयज, यदि 6 में से 5 लड़कियां है तो बाकी बचे कौन है, लड़के, हाँ या ना। अब 60% लड़के और 80% लड़कियां मौजूद है तो 20% एबसेंट है या नहीं है, यहाँ पे 20% एबसेंट है। और यहाँ पे 80% मौजूद है, सॉरी 60% लड़के मौजूद है तो 40% लड़के क्या होंगे, एबसेंट होंगे, हाँ है ना। अब हमसे पूरे का तो निकाल रहा है, मतलब पूरे का मतलब हमसे एवरेज ही तो निकाल रहा है ये। अब देखो नॉर्मल तरीका क्या है, आप नॉर्मल तरीका क्या करते हो भाई, 20% एक का है तो 5 का कितना होगा, 100। यदि एक का 40 है तो 40 ही होगा, डिवाइडेड बाई टोटल, एवरेज तो सब पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, हाँ या ना। तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 140/6, और इसको यदि मैं काटता हूँ तो ये कितना आएगा आपका, 70/3, और इसको और सिंप्लीफाइड करता हूँ तो 23 1/3% आपका उत्तर हो जाएगा। देखो मैंने कितना जल्दी, ये जल्दी नहीं है, अभी जो करूँगा वो जल्दी होगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे आप करते हो। ये नॉर्मल तरीका है ये कि भाई 83 1/3% इक्वल्स टू 5/6, तो 6 में से 5 लड़कियाँ हैं तो बाकी जो बचे हुए हैं वो लड़के हैं। अब 20% जो है वो लड़कियां अनुपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 80% जो लड़कियां है वो प्रेजेंट है, और 60% लड़के प्रेजेंट, तो 40% लड़के एबसेंट होंगे। अब हम एवरेज निकालते हैं भाई, 5 लोगों का एवरेज 20 है और एक का 40 है, तो टोटल एवरेज क्या होगा, तो भाई 5 लड़कों का एवरेज 20 है तो 20 × 5 सम हो गया 100, 40 × 1 40 हो गया, डिवाइड बाई एवरेज सब में बढ़ता है तो सब में बढ़ गया, 140/6 विच इज इक्वल टू 70/3 और विच इज इक्वल टू 23 1/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 23 1/3% हो जाएगा। पर हमें ऐसे नहीं करना, देखो बच्चों हमें कैसे करना है, देखो 83 1/3% होता है 5/6, मतलब लड़कियां गर्ल्स और लड़के
यदि लड़कियां 5 है तो लड़के कितने हैं? एक। भाई एबसेंट कितने लोग हैं? लड़कियों में 20% और लड़कों में कितना परसेंट एबसेंट है? 40%। टोटल 6 है। अब देखो भाई कॉमन क्या है, सबसे छोटा कौन सा है? 20। मतलब आंसर 20 तो आएगा ही, उससे ऊपर ही होगा। अभी एक्स्ट्रा कितना है 20 से? ये 20 एक्स्ट्रा है, उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो एक्स्ट्रा होता है उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, उस सब में आपको पता चल जाएगा। तो 20 × 1, अब ये जो है ये सब पे एवरेज, सब पे जो एक्स्ट्रा होता है वो सब पे ही बढ़ता है। तो 20/6, देखो 20 + 10/3 विच इज इक्वल टू 23, 1/3%। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर ये बड़ा नहीं है बच्चों। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये तो बहुत इजी है। आपको एवरेज, यदि आप एवरेज पढ़ते हो, जब हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है एवरेज निकालने का, सबसे जल्दी इसी से होता है। इसको बोलते हैं मिनिमम मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? मिनिमम मेथड। कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 40 है, मतलब इन दोनों में 20% तो आ ही रहा है कि नहीं? हाँ है ना। तो 20% तो हमारा आंसर होगा ही, हमारा आंसर उससे ऊपर होगा। कितना भाई, ये कितना ज़्यादा है? ये 20 ज़्यादा है। अब उस जो ज़्यादा है उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × 1 क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई एवरेज तो सब पे बढ़ता है, तो डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो 10/3 विच इज इक्वल टू 20 + 10/3 23, 1/3%। अगली बात समझ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने किया था अभी, कि बोल रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो क्या हो गए कि हर एक शिफ्ट में अलग 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 शिफ्ट होती है तो रिपीट होते हैं, वही सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब अब ये बोल रहा है ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। अब 65% क्या होता है भाई? 13/20। भाई अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब इनकम 20 थी उसमें से 13 खर्च कर दिए तो बचा इसने कितने? 7। और इनकम टोटल कितनी है? 20। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20.1, यानी इसको 20.1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 402% हमें इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है? प्लस का 402%। हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 25%। अब इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भाई साहब 25% से बढ़ रहा है, तो भाई 25% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 325 हो जाएगा। 25 × 13 325% प्लस का है। अब भाई प्लस का 402 लाना है, प्लस का 325 आ गया, तो बच कितना गया? प्लस का 77 बच गया। हाँ है ना, बात समझ में आई या नहीं? आ गई बात समझ में? भाई हमने क्या किया, भाई इसकी इनकम 20.1% से बढ़ी, तो 20 × 20.1 प्लस का 402% हमें बढ़ाना है। इसकी इनकम 25, एक्सपेंडिचर जो है वो 25% से बढ़ गया, तो 13 × 25% कितना हो गया? प्लस का 325 हमारा ये बढ़ चुका है, और मुझे सिर्फ बढ़ाना है अब प्लस का 77%। अब प्लस का 77% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा इंक्रीज, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड मुझे करना पड़ेगा इस 7 से। मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का 11% इंक्रीज, और यही मेरे इस सवाल का उत्तर था। आगे बात समझ, देखो मैंने क्या किया, अ पर्सन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, मतलब 13/20, यानी 20 में से 13 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है? 7। टोटल इनकम हो गई है 20, 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 325, और इसको 20.1 से 402 टोटल आना है। मैंने 325 यहीं लेके आ गया, तो मुझे प्लस का 77 और चाहिए। अब वो प्लस का 7 से 7 तो टोटल सेविंग पे इंक्रीज हुआ है ना, और टोटल सेविंग हमारी कितनी है? 7। तो कितना हो जाएगा भाई? 77/7 विच इज इक्वल टू प्लस का 11%। यहाँ पे डिक्रीज भी था, यहाँ पे इंक्रीज भी था, तो हमें क्या आएगा? प्लस का इंक्रीज बाई 11%। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अरे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको किसी वैल्यू का मान ही नहीं निकालने दूंगा, एकदम इजी करेंगे भाई इसको। देखो भाई क्या लिखा है, भाई ये तरीका आपने नहीं देखा होगा ऐसा करने का। देखो भाई, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन बाई 33% ऑफ द नंबर। अब भाई देखो, 60% ऑफ द, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, भाई संख्या तो सेम ही होती है, 100% ही होती है, जो 60% है वो उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। मतलब 20% से 60% कितना ज़्यादा है भाई?
कितना जाता है, 40% जाता है, और इस 40% की वैल्यू हमें दी है 120, मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 33, 1/3% ऑफ द सेम नंबर ही है, तो हमें नंबर निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 33 1/3 में 28 कितना कम है भाई, 5 1/3% कम है ना, तो हमें 5 1/3% की वैल्यू तो ढूंढनी है। इसको भी मैं मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, तो भाई ये 5 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1/3 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। और 5 + 1/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 5 15 और 3 × 1/3 + 1 हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 16। देखो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट देखा होगा आपने आज। देखो मैंने क्या किया, देखो वापस से बता देता हूँ मैं एक बार करके, एक बार इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो भाई क्या किया कि जो 60% है वो 20% से 120 अधिक है, मतलब 40% जो वैल्यू है वो 40% की वैल्यू मेरी 120 दी है, मतलब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब मुझे पूछ रहा है कि जो 28% है वो 33 1/3 से कितना कम है, तो भाई 5 1/3% कम है, इसी की तो वैल्यू हमें ढूंढनी है, इंटू 3, 5 3 = 50 और 1 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 16। आगे बात समझे, और यही हमारे इस सवाल का क्या है, उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो भाई, बसीट्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%, हर वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। अब डेली इंक्रीज अर्निंग क्या होगा भाई, वर्किंग आवर, क्या होगा वर्किंग आवर इंटू आवर वेजेस इक्वल्स टू अर्निंग। देखो हमें ये दोनों दिया है, मतलब हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, यदि हमें ये और ये देता तो हम सक्सेसिव नहीं लगाते, हमें ये और ये दिया है तो ही हम सक्सेसिव लगा रहे, नहीं तो नहीं लगाते भाई। 15% से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 15%, और 20% से वापस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 20, प्लस 15 × 20/100 तो कितना आ जाएगा भाई, ये 35 और ये 300/3 कितना हो जाएगा, 3, मतलब टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा, 38%। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते है ना, यदि फ्रैक्शन में आती तो भी हम कर सकते थे डायरेक्ट, है ना। अब देखो फ्रैक्शन, यदि हमें वो वाला मेथड चाहिए भाई, एक्स और वाई वाला, तो भाई 15% से इंक्रीज़ हो रहा है तो 20 से कितना हो गया बच्चों, 23, और 20% से इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 5 से कितना हो गया, 6, है ना, तो 100 से कितना हो गया बच्चों, 100 से हो गया तुम्हारा 138, कितने का इंक्रीमेंट हुआ ये, 38 का, कितने पे, 100 × 100, मतलब आंसर क्या आ गया, 38%। कैसे भी कर सकते हो आप, है ना, पर ये इजी मेथड है क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटीजर है तो इंटीजर पे हमेशा x प्लस वाई, फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। वर्किंग आवर इंटू वेजेज इक्वल्स टू अर्निंग, हमें ये दोनों दिया हुआ है तो हम सक्सेसिव लगाएंगे। आई बात समझ में, सक्सेसिव कब लग देगा, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है, यदि उनकी बचत का अनुपात ये, अब देखो खर्च का दिया है और बचत का अनुपात ये है, तो भाई 80% भाई, कोई भी किसी की इनकम 100% होती है उसी में से या तो वो खर्च करता है या फिर बचाता है, तो 80% खर्च कर रहा है तो ए 80% खर्च कर रहा है तो ए कितना परसेंट बचा रहा है, ये 20% बचा रहा है, और 20% कितना होता है बच्चों, 1/5, और इसका हमें दिया हुआ है ये 8 है, तो इंटू 8 मतलब इनकम उसकी कितनी हो गई, इंटू 8 करूँगा तो इनकम उसकी आ गई है 40, और बी जो है वो 15% बचा, 85% खर्च कर रहा है मतलब 15% बचा रहा है उसकी इनकम का, और 15% कितनी होती है, 3/20, और इस 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 9, इंटू 3 से करूँगा तो ये भी मैं इंटू किससे करूँगा, 3 से, मतलब बी की इनकम मेरी कितनी आ गई, 60, और सी जो है वो 25% बचा रहा है, मतलब सी कितना बचा रहा है, 25%, क्योंकि 75% तो खर्च कर रहा है, 25% का मतलब 1/4, इस 1 की वैल्यू है 20, इंटू क्या करूँगा,
ट्वेंटी, तो फोर को भी इंटू ट्वेंटी करूँगा तो मेरा आंसर कितना, इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 80। अब सबकी इनकम आ गई बच्चों, है ना। अब मैं डायरेक्ट रेशियो कर देता हूँ ए बी और सी, 40, 60 और 80 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4। 40, 60 और 80 का इनकम का रेशियो 2, 3 और 4 आएगा। अब इसने बोला है कि ए की आय, ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो भाई ए और सी की आय में कितना अंतर है, 2। इस 2 की वैल्यू हमें 18,000 दी हुई है, और हमसे पूछा है कि बी की आय क्या होगी, 3 की वैल्यू पूछी है। अब भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18,000 आएगा, 9,000 से करना पड़ेगा, तो इस 3 को भी भाई साहब को 9,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, मतलब सी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, 27,000। देखो मैंने क्या किया भाई, एक ए 80% खर्च कर रहा है तो ए 20% बचा रहा है, 20% का मतलब 1/5 होता है, और उस एक की वैल्यू आपको 8 दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40। वैसे ही बी 85% खर्च कर रहा है, मतलब 15% बचा रहा है, मतलब 15% को फ्रैक्शन में लिखूंगा 3/20, 3 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू 60 होगी, और सी 75% खर्च कर रहा है, 25% बचा रहा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80। और यहाँ पे मैंने काट दिया, मन मन में काट दिया भाई 40, 60 और 80, तो रेशियो क्या आएगा, 2, 3 और 4, वही है। अब इसने बोला ए और सी की आय में अंतर कितना है, 18,000, तो अंतर कितना है, 2 की वैल्यू 18,000 है, हमें बी से पूछा है, बी की आय हमारी 3 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 27,000। यही हमारे इस सवाल का क्या था, इस सवाल का उत्तर था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ 25%, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, आपको करना आना चाहिए, आप कैसे करते हो। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, देखो 25% में बोल सकता हूँ 1/4 ऑफ हाफ ऑफ हाफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 2.5 times, 2.5 times को मैं 5/2 लिख लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ 30%, 30% को मैं 3/10 ऑफ 1/4, 1/4 को 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन वाई। अब देखो भाई, इस 4 से ये 4, इस 2 से ये 2, इस 5 से ये 2, तो भाई एक्स इक्वल्स टू 3/2 ऑफ वाई। अब यहाँ पे हमारा एक्स और वाई का क्या रेशियो आ जाएगा भाई, 3/2, तो भाई एक्स ज़्यादा है या कम है वाई से, तो एक्स तो ज़्यादा ही है वाई से, तो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है ना भाई, तो 1 ज़्यादा है, कितने पे, 2 पे, इंटू 100, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 50% ज़्यादा है, तो मोर लिखूँगा, मेरा आंसर क्या जाएगा। देखो हमने क्या किया, इफ 25% ऑफ हाफ, 25% का 1/4, हाफ का 1/2 ऑफ एक्स, ऑफ एक्स तो मतलब एक्स इक्वल्स टू 2/5 times, मतलब 5/2 लिख सकता हूँ 2.5 को, इंटू 30% 3/10 इंटू 1/4 ऑफ वाई, तो यहाँ से 4 से मैंने 4 काट दिया, 2 से वापस ये 2 है ना बच्चों, इस 2 से वापस इसको काट दिया, और 5 को इससे 2 बार काट दिया, तो रेशियो क्या गया, एक्स इक्वल्स टू 3/2 ऑफ वाई, और यहाँ पे एक्स अपॉन वाई रेशियो क्या गया, 3/2। पूछा है कि एक्स वाई से कितना ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा ही है भाई, कितना है, एक कितने पे, वाई 2 पे है, इंटू 100, 50% मोर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, है ना। देखो भाई, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए और सी, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे सी और डी या ए बी सी डी, डी से कोई काम है क्या हमारा, हमारा डी से कोई काम नहीं है, तो हम ए से सी तक ही जाएंगे, डी से हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि डी का रिलेशन हमें कुछ पूछा ही नहीं है, तो हम डी पे क्यों जाए फालतू में, हम ए से कहाँ तक जाएंगे, सी तक। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ए से हम बी और बी से हम सी, यही करेंगे, हाँ है ना। अब देखो ए से बी का रेशियो हमारा क्या आएगा, ए
ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी यदि 10 है तो ए कितना होगा 11, और बी से सी, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए तो ये 5 से 6। यदि मैं पहली लाइन शुरुआत कहाँ से हो रही है बच्चों, ए से, और एंड कहाँ पे हो रहा है सी पे, यदि शुरुआत वाली लाइन मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आएगा, ए कितना आएगा 66। अब बी, बी को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, आपको पता ही होगा 60, और सी कितना आएगा 50। अब इसने बोला ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त मिले, तो ए को सी से कितने ज़्यादा मिले भाई 16, इस 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 272, और हमें पूछा कि बी के कितने अंक होंगे, तो बी के 60 है आए ना, ये इंटू क्या करूँगा मैं एक और ये 7, तो इसको भी इंटू 17 से कर दूँगा, मतलब कितना आ जाएगा 18। बात समझ, देखो भाई सबसे इजी कंसेप्ट बता दिया मैंने, सबसे इजी करना है इस क्वेश्चन को, सबसे इजी कैसे करना है वो बताया, क्योंकि यहाँ पे डी का कोई मतलब ही नहीं, ना सी और डी का रिलेशन पूछा, ना ए बी और डी का रिलेशन पूछा, मतलब हमसे रिलेशन किसका पूछा है ए सी और बी का, तो हम ए से सी तक ही जाएंगे, हमें डी से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्वेश्चन को बढ़ाने से हमें क्या मतलब है। तो मैंने ए से बी और बी से सी का रेशियो निकाल लिया, तो 11 × 6 66, 6 × 10 60, और 10 × 5 50, तो 16 ज़्यादा है ए, 16 की वैल्यू 272 इंटू 17 करूँगा, तो 60 को भी इंटू 17 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1020 आएगा, और यही हमारे इस सवाल का उत्तर था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, अब 72% कितना होता है बच्चों, 18/25 है ना, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम, यदि एक्सपेंडिचर 18 है तो ये कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 25। इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो इंटू 20 लिख देता हूँ, मतलब मुझे प्लस का क्या चाहिए, प्लस का 500%। इफ़ इज सेविंग इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब 105% से ये क्या हो गया इंक्रीज, बच कितना गया बच्चों, बच जाएगा आपका 395%, हाँ या ना, तो हमें 395% कितने पे लगाना है हमें 18 पे। अब देखो भाई, 18 × 20 करता हूँ मैं तो 360 आता है, अब एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 18 है ना, अब मैं 18 × 2 करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 36, मतलब कितना होगा 396, उससे थोड़ा सा ही तो कम लाना है, क्योंकि मेरे को कितना लाना है बच्चों, मुझे लाना है 395, तो मेरा आंसर क्या होगा 22 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 20 + 2 कितने होंगे 22, और 22 से मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा है ना। देखो मैंने क्या किया कि मोनिका 72% इनकम स्पेंड कर रही है, और इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड इज सेविंग इंक्रीज बाय 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय करेक्टेड टू 1 decimal place है ना, तो भाई 72% कितना होता है बच्चों, 72% होता है 18/25, मतलब एक्सपेंडिचर यदि उसका 18 है तो सेविंग उसकी 7 होगी, टोटल इनकम 25। अब 20% से बढ़ रहा है तो इंटू 20, यानी हमें टोटल बढ़ाना है प्लस का 500%, कितना बढ़ाना है प्लस का 500%। अब प्लस का 500% बढ़ाना है तो प्लस का 500, अब जो सेविंग है वो 15% से बढ़ रही है, तो 15 × 7 = 105, अब हमें 105 बढ़ गया, अब हमें 500 लाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो भाई 395 हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे 18 पे, तो 18 × 20 करूँगा तो 360, और 18 × 2 करूँगा तो 36 आएगा, मतलब टोटल 396 आएगा, अब हमें 395 मतलब थोड़ा सा कम चाहिए, और थोड़ा सा कम मतलब 22 से एकदम थोड़ा सा कम कौन सा आएगा 21.9। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, कोई सेम क्वेश्चन है आप ट्राई करो एक बार। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, 75% का मतलब है 3/4, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, और ये आपकी हो गई है इनकम। अब 75% यानी 3
चार में से तीन खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहा, एक टोटल इनकम हो गई चार। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो भाई इनकम को इंक्रीज कर देते हैं 20% से, मतलब प्लस का 80%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ही सेविंग डिक्रीज बाय 1%। अब देखो भाई यहाँ पे सेविंग डिक्रीज हो रही है तो -1% है ना, 1 × -1 -1%। हमें प्लस का 80% लाना है, हमारा यहाँ माइनस का 1% है, मतलब मुझे इसको 80% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। कितना, 81% करूँगा, प्लस 81% -1% तभी तो 80% आएगा, है ना। तो मुझे कितना बढ़ाना है, 81% बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है 81% कितने पे, इसका रेशियो कितना है 3, मतलब मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, बात समझ में आई बच्चों। देखो हमने क्या किया कि हमें दिया हुआ कि सुरभि जो स्पेंड करती है वो 75%, मतलब अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 1% की कमी होती है तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब 75% का मतलब क्या है, 3/4। यदि एक्सपेंडिचर 3 है तो सेविंग 1 होगी और इनकम कितनी होगी, 4। अब इनकम 20% से बढ़ी है तो 4 × 20 प्लस 80% हमें टोटल बढ़ाना है। अब एक -1 -1 होगा, प्लस का 80% हमें बढ़ाना है, हमारा -1 आ गया तो मुझे +81 करना पड़ेगा, तभी तो +81 -1 = 80 आएगा। तो +81 टोटल बढ़ाना है और टोटल यहाँ पे रेशियो कितना है, 3, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 27%। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों ये फ्री के क्वेश्चन आ गए और ये फ्री का क्वेश्चन है। ये फ्री का क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई, इफ डिक्रीजिंग 120 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई एक्स परसेंट, देन एक्स परसेंट ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एक्स प्लस 20% ऑफ 180। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले हमें एक्स कैसे निकालना। भाई पहले हमें 120 को x परसेंट से डिक्रीज करना है, मतलब 120 को 100 माइनस x करना पड़ेगा और वही सेम रिजल्ट देगा जब हम 40 को x परसेंट से इंक्रीज कर देंगे, तो 100 प्लस x आया ना। तो भाई ये क्या हो गया, ये 3 और ये 1, तो 300 माइनस 3x इक्वल्स टू 100 प्लस x। ये भाई साहब इधर जाएंगे और ये भाई साहब इधर आएंगे, तो ये 200 इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50। देखो हमने क्या किया कि बोल रहा है कि 120 को कितने से डिक्रीज किया जाए, जो कि 40 को उतने से ही इंक्रीज, x परसेंट उतने से ही इंक्रीज करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो x परसेंट से डिक्रीज करेंगे तो 100 माइनस एक्स भाई टोटल 100% होता है ना, तो x परसेंट से डिक्रीज करेंगे तो 100 माइनस x परसेंट होगा। 120 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40 इंटू 100 प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करके 50 आ गई। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे क्वेश्चन को इजी बनाना है, क्योंकि x तो सभी निकालेंगे, अब सब लोग तिकड़म लगाएंगे भाई 210 का 50%, 180 का 70% निकालेंगे, ये सब हमें नहीं करना भाई। हमें आंसर परसेंटेज में दिया है तो वी विल वर्क ओनली ऑन परसेंटेज, नॉट ऑन द वैल्यू। तो भाई मैं साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। देखो भाई, x परसेंट ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन द x परसेंट, यानी 50% इंटू 210 x प्लस 20, मतलब 70% इंटू 180, परसेंटेज लगाऊंगा तो इंटू 100 आया ना। अब देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये कितने से कट गया, 3 से, ये कितने से कट गया, और ये 6 से, मतलब मेरा आंसर क्या गया, 5/6 × 100। अभी ये आंसर नहीं है, इसने बोला कि कितना कम है, तो भाई ये कितना कम है, 1/6 × 100, और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 2/3।
देखो बच्चों, आपने जितने भी सॉल्यूशन देखे हुए ना एजुकेटर के, उसने वैल्यू निकाली है। अब वैल्यू निकालने का क्या मतलब है? जब हमें आंसर ही परसेंटेज में पूछा है, तो वाई वी विल वर्क ऑन वैल्यूज, वी विल वर्क ऑन परसेंटेज, ताकि चीज़ें आसान बन जाए, हमें वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना, बात समझ में आई? देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या बोला कि 120 को x परसेंट से डिक्रीज करने के लिए, यदि 120 को x परसेंट से डिक्रीज करना है, वो वही सेम रिजल्ट देगा जब 40 को x परसेंट से मैं इंक्रीज करूँगा। हाँ है ना? तो भाई इसको मैंने काट दिया ये तीन बार, तो ये 300 माइनस 3x इक्वल्स टू 100 प्लस x, ये इधर जाएंगे भाई साहब, ये इधर आएंगे, तो 200 इक्वल्स टू 4x, और एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 50। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक्स परसेंट ऑफ 210, तो 210 का एक्स परसेंट मतलब 50% इज व्हाट परसेंट लेस देन द एक्स प्लस 20%। एक्स प्लस 20 मतलब 70% ऑफ 180। परसेंटेज लगाने के लिए मैं मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज गया 70 से तीन बार, और ये 60 बार, और ये 0 से 0, मतलब 5 और 6, मतलब कितना कम है बच्चों? 1 है कम 6 पे इंटू 100, और 1/6 तो आपको पता ही होगा 16, 2/3 परसेंटेज होता है। आगे बात समझ, कितना इजी हो गया क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 16, 2/3 आपका आंसर है। अब देखो ये जो x निकाला ना हमने 50%, ये हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी एक आप सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी का रेशियो जानते होंगे भाई, है ना? यहाँ पे सीपी होती है हमारी, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू, है ना? अब यहाँ पे सीपी होती है, अब कुछ यानी सीपी यानी मैं किसी चीज़ को 120 रुपये पे बेच रहा हूँ तो कुछ लॉस हो रहा है, और 160 रुपये बेच रहा हूँ तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना लॉस हो रहा था। तो हम कैसे करते हैं वो सब क्वेश्चन देखो। यदि मैंने इसको 120 रुपये पे बेचा, ये प्रॉफिट है मेरा 120, और यहाँ पे लॉस है मेरा 40, है ना? तो यहाँ से यहाँ पे आने में मुझे कितने रुपए कितने लगेंगे भाई? डिफरेंस कितना है 80 का, और ये किस में डिवाइड होगा भाई? यहाँ पे 3 गुना है ना वैल्यू इसकी, ये 3 है, और ये रेशियो इसका कितना है 1 है, तो 3:1 में मतलब इसको मेरे को 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब मुझे इसे 20 बढ़ाना पड़ेगा, और मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 60, मतलब मैं 40 से इसको 60 बढ़ाया, मतलब 50% से बढ़ाया, मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 50। देखो भाई मैंने क्या किया, मेरी ओरिजिनल वैल्यू ये है, मैंने 40 में बेचा तो मुझे कुछ लॉस हुआ, मैंने 120 में बेचा तो मुझे 3 गुना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि भाई 40 और 120 का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:3 है, है ना? मतलब यहाँ पे जो गैप होगा वो मुझे 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 का मतलब यानी 1 का मतलब कितना है 20 है, तो 20 यानी यहाँ पे 60 होगा, तो मुझे इंक्रीज़ कितना करना पड़ा 50%। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते थे जो मैंने आपको बता दिया है 50%, और वो ये तरीका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई भी एजुकेटर नहीं बताएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब भाई अब ये सब क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब अब प्री के क्वेश्चन है तो ये सब रिपीट होंगे आने वाले। अभी एक दो क्वेश्चन और अच्छे आएंगे देखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। द इनकम ऑफ राजू क्या है 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, मतलब जो 20% ज़्यादा है, मतलब 1/5। यदि एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, यदि एक्सपेंडिचर 5 है तो मेरा सेविंग 1 ज़्यादा है, मतलब अरे इनकम 1 ज़्यादा है, मतलब 6 हो जाएगी, तो सेविंग मेरी 1 होगी, है ना? इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 60%, यदि इसकी इनकम क्या हो गई 60% से इंक्रीज हो गई, कितना हो गया 360। एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, इसका एक्सपेंडिचर 70% से इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस का 350। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, प्लस का 10 लाना है, क्योंकि प्लस 350 ये है,
प्लस 10 ये होगा तभी तो 360 आएगा। तो 10% इंक्रीज करना है मुझे कितने पे, 10/1 तो इक्वल्स टू 10% का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट नहीं आएगा इंक्रीमेंट आएगा। आई बात समझ। देखो क्या बोला है कि जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से, 20% मतलब 1/5, यदि एक्सपेंडिचर 5 है तो मेरी इनकम 6 होगी, तो मैं बचा कितना रहा हूँ एक। अब मेरी इनकम जो है वो 60% से बढ़ाई, तो 6 × 60 कितना हो गया, 360 टोटल मुझे बढ़ाना है, और मैंने 70% से मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो 5 × 70 यानी कितना हो गया 350, तो ये 10% बढ़ेगा, 10 कितने पे, एक पे, तो 10/1 इक्वल्स टू 10% का इंक्रीमेंट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाई ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, देखो कैसे करेंगे। तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं। ए द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन डेट ऑफ बी। अब यहाँ पे मानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या क्या मान सकते हैं, हमारा क्वेश्चन कैसे इजी हो सकता है। तो भाई इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, यदि मैं इसको 400 मानता हूँ तो ये 25% ज़्यादा है, मतलब ये 500 होगी, हाँ है ना। अब द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, और इसका इनकम का ये कितना है भाई, 900 है टोटल, इनके सम का इनके सम से 65% लेस है, मतलब कोई भी वैल्यू 100% होती है, 65% लेस है मतलब वो वैल्यू कितने परसेंट होगी उसकी, 35% होगी, और इसका 35% कितना होगा भाई, 1% 9 होगा, तो 35% कितना होगा 315, क्योंकि 35 × 9 करूँगा तो 315 आएगा, हाँ है ना। अब ये देखो भाई कितना कम है भाई ए से, ये कितना कम है भाई ए से, ये कितना कम है, 185 कम है, कितने पे है, 500 पे, इंटू 100 ये कट गया, इसको मैं काटूंगा तो ये कितना आएगा, 37% क्या है कम है, क्या है 37% क्या है कम है। देखो मैंने क्या किया, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन डेट ऑफ बी, मतलब मैंने बी की इनकम को मैंने 400 माना और ये 25% ज़्यादा है तो ये 500 होगी। अब जो इनकम ऑफ सी है वो 65% कम है उनके सम के इनकम से, मतलब इनका सम कितना है 900, 65% कम है, तो 65% कम है तो ओरिजिनल में वो कितना है उसका, 35% है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ओरिजिनल में 100% होती है, 65% कम है तो 35% है। अब यहाँ पे 10% 90 है, 1% 9 है, तो 35% कितना होगा, 9 × 35 यानी 315 होगा। अब ये जो ए है ये कितना कम है सी से, अरे जो सी है वो ए से कितना कम है भाई, 185 कम है, कितने पे, 500 पे, इंटू 100, 0 0 कट गया, इसको डिवाइड किया तो 37 आ गया। आई बात समझ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाई ये एक सवाल और ये एक सवाल, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखो हम कैसे करेंगे, वही जो एवरेज वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा, देखना। पहले तो नॉर्मल कंसेप्ट आप लोग को बताऊंगा, फिर अपना जो वो वाला कंसेप्ट है वो देखेंगे। द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी, ए और 50% ज़्यादा है, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, क्योंकि 50% क्या होता है, 1/2। अब इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40%, यदि इसकी इनकम कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई है, 40%, एंड इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 90%। देखो बच्चों, और टोटल दो देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम विल बी, टोटल इनकम मतलब टोटल हमें एवरेज ही तो पूछ रहा है क्या होगा। अब भाई नॉर्मल तरीका तो क्या है, 40 × 3 = 120 प्लस 90 × 2 = 180/3, तो भाई 300/3, ये टोटल 5 लोग है ना भाई, 5 मतलब कितना आ गया, 60%। देखो भाई एवरेज तो सब में डिवाइड होती है, हाँ है ना। अब भाई ए जो है वो बी से 50% ज़्यादा है, मतलब यदि बी 2 है तो ए कितना है, 3 है, है ना। अब 40% इंक्रीज़ हो रहा है और 90% ये इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल हमें पूछा कि टोटल कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा, तो एवरेज ही निकालना है, तो 40 × 3 = 120, 90 × 2 = 180 डिवाइडेड बाई टोटल कितने पे डिवाइड होगा, ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 300/5 60% आ गया। अब हम एक और तरीका कैसे कर सकते हैं, देखो मिटा देता हूँ। देखो भाई ए बी से 50% ज़्यादा है, मतलब ए और बी
ए 20 से 50% ज़्यादा है, इसकी इनकम 40% बढ़ रही है और इसकी इनकम 90% बढ़ रही है। मैंने बताया था 40 और 90 में कॉमन कौन सा है, भाई 40% तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। अब ये कितना ज़्यादा है भाई 40 से 50, उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 × 2 कितना हो गया बच्चों, 100। अब एवरेज तो सब में ही बटेगा, एक्स्ट्रा जो भी होता है वो सब में बढ़ता है, डिवाइडेड बाई 5, मतलब कितना आ गया 20, 40 + 20 कितना हो गया 60%। यही हमारा क्या था आंसर। देखो बच्चों वापस बता रहा हूँ मैं कि 3 और 2, 40% और 90%, 40% तो कॉमन है ना दोनों में, तो 40% तो आंसर आएगा। अभी 90 है वो ज़्यादा कितना है, इसे 50 ज़्यादा है, तो उसको उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 × 2 100, और जो एक्स्ट्रा होता है वो सब एवरेज में बढ़ता है, सब लोगों में बढ़ता है, तो 100 / 50 = 20, मतलब 40 + 20 कितना आ गया आपका 60% आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल हम मिनिमम मेथड से करेंगे। देखो भाई इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन डेट ऑफ बी। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, मतलब यदि बी की इनकम 5 है तो इन भाई साहब की इनकम कितनी होगी, 7। यदि इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25% और इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 40%, तो कंबाइन, अब कंबाइन कितने लोग हैं आपके 12। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 25, मतलब मेरा आंसर 25% तो आएगा ही। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 15, इस 15 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 75, और एवरेज टोटल में बटेगा, आया ना चार, मतलब 25% + 6.25%, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 31.। आगे बात समझ, देखो मैंने क्या किया, 25% तो कॉमन है 40 और 25 में से, ये एक्स्ट्रा कितना है, ये एक्स्ट्रा 15 है, इस 15 को उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, 15 × 5 डिवाइड बाय एवरेज तो सब में ही बटेगा, तो 75/12, तो कितना आ गया 25/4 विच इज इक्वल टू 6.25, 25 + 6.25 इक्वल टू 31.25%, और यही हमारे इस सवाल का क्या है उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। देखो बच्चों ये सब चीज़ें वही आ रही है, सुधा ने सेव की है कितने परसेंट इनकम सेव की, देखो आप कर लो एक बार इसको, 15% इनकम सेव की, 15% का मतलब मेरा बच्चों कितना हो गया 3/20, मतलब एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम, 15% सेव की मतलब 3 सेव की 20 में, तो 17 खर्च करती होगी और टोटल इनकम कितनी है 20, है ना। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट हो गया 20% से, और इज सेविंग इंक्रीज बाई 60%, तो हमें बताना है कि इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। देखो बच्चों 20 तो कॉमन आ ही रहा है, 60 और 20 में क्या है, 20 तो कॉमन है ही, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 40, इस 40 को इसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 × 3 = 120, और ये सब में बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग कितने हैं, यहाँ पे लोग है 20, तो ये टोटल कितना इंक्रीमेंट हो गया 26%। देखो भाई ये सबसे ईजी मेथड है, इसको मैं वापस से बता देता हूँ एक बार आपको, देखो भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, भाई एक्सपेंडिचर 17 है, सेविंग है 3 और इनकम है 20, यदि एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो रहा है ना, और सेविंग जो है वो 60% से इंक्रीज हो रही है, तो इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, तो भाई 20 तो है ही, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है ये 40, और ये 40 को हम उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 × 3 कितना हो गया 120, अब एवरेज तो सब में बटेगा और सब लोग कितने हैं, सब है 20, मतलब इसको मैं काट दूंगा तो ये 26 आएगा, तो 20 + 6 = 26%। सबसे इजी करने का तरीका यही है, इससे इजी नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, दो तीन सवाल और बचे हैं बस। द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर इन द रेशियो 4:5,
देखो भाई कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है ना। दो का प्राइस कितना है? 4:5। इफ़ द प्राइस ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पे इसको मैं 40 मान लेता हूँ और इसको मैं 50। इजी कर। इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट एंड डेट ऑफ अदर आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 30%। यदि ये 30% से डिक्रीज होगा तो ये 70% होगा इसकी वैल्यू, और 70% कितना होगा ये इसका 70% निकाल रहे, क्योंकि 30% से डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी बच गई? 70%। 50 का 70% कितना हुआ? 35। अब इसका रेशियो दे दिया हमारा ए और बी का, कितना रेशियो दिया है? 10:7। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 से। तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब ये कितना आएगा? 50। अब देखो बच्चों 50 है, ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? ये 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे? 40 पे। इंटू 100। अब 1/4 कितना होता है आपका? 25%। मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 25%। देखो मैंने क्या किया है कि द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो 4:5 है। मैंने मान लिया कि ए 40 है और बी कितना है? 50। अब जो दूसरा है वो डिक्रीज हो रहा है 30% से, मतलब 50 का 30% डिक्रीज हो गया, मतलब 70% बचेगा। तो 50 का 70% कितना हो गया? 35। अब ये रेशियो दिया है हमें 10:7, मतलब 7 की वैल्यू आपकी 35 है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं? 5 से। तो 10 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा मेरा? 50। अब मुझे इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई? इंक्रीमेंट हुआ मेरा 10 का कितने पे? 40 पे। तो 10/40, 1/4, 1/4 विच इज इक्वल्स 25%। बहुत ईजी था क्वेश्चन भाई, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो ये है। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। अब देखो भाई बच्चों, जो नंबर होता है वो तो अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता? जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, हाँ है ना? तो 85% में कोई मैं ऐड करूंगा और टोटल नंबर वो दे दूंगा, मतलब मैं 15% ऐड कर रहा हूँ, और ये 15% का मतलब कितना है? 75 × 5। इसने बोला है कि नंबर क्या है? नंबर तो हमेशा 100% होता है। पाँच बस खत्म। देखो भाई 85% में मैंने 75 जोड़ा और वो नंबर मिल गया, और नंबर हमेशा क्या होता है भाई? 100%। और 85 तो पहले से था ही, मतलब जोड़ा मैं क्या? मैंने जोड़ा 15%, और इस 15% की वैल्यू हमें दी हुई है 75। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 5 से। नंबर तो हमेशा 100% ही होता है, तो 100 × 5 कितना हो जाएगा? 500। बस देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वापस से वही आ गए जो हमने पहले छोड़े थे, है ना? क्वेश्चन कैलकुलेशन है, बस हमें करना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 17%, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 8%। मतलब एक्सपेंडिचर और हमें प्राइस दिए, और हमें क्या पूछा है? कंजम्पशन। तो बच्चों देखो, हमें प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, हमें एक्सपेंडिचर और प्राइस दिए, हमें कंजम्पशन पूछा है, मतलब सक्सेसिव नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बच्चों? देखो अभी बताया था मैंने, 100 से कितना हो रहा है ये? 117, और 100 से हमें सिर्फ 8% बढ़ाने, मतलब 108। अब नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज़ कितना करना पड़ेगा? 9 कितने पे? 117 पे, और 00। अब देखो ऑप्शन बहुत पास पास में है, तो तकलीफ़ हो सकती है हमें करने में, तो हम क्या करेंगे भाई? एक तो 7 से ऊपर है और एक 7 से नीचे, मतलब 8 से ऊपर है और 8 से नीचे, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 117 × 8 यदि मैं करूँगा तो 936 होता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 900, मतलब मुझे 36 माइनस करना है, मुझे माइनस क्या करना है? 36। यदि इसका पॉइंट लेता हूँ तो मैं 11.7 होता है इंटू 3 करूँगा तो कुछ 33 के ऊपर जाएगा, और वही तो हमें चाहिए, हमें 36 माइनस करना है, हमें 33 तक जाना है ना? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.3 माइनस कर दूंगा ना मैं, तो 8 में से -0.3 होगा, तो मेरा 7.7 बच जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, और इसको करने का सबसे इजी तरीका यही था। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको हकीकत बोलता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने क्या किया भाई, 100 रुपये थे मेरे, मेरे को इंक्रीज करना था 17 से, तो 117 हो गया। अब मुझे मेरा खर्चा सिर्फ 8% ही बढ़ाना है, तो 108 होगा, मतलब मुझे डिक्रीज कितना करना पड़ेगा? मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा 9 का, कितने पे? इस 117 पे। परसेंटेज लगाऊंगा तो इंटू 100।
अब देखो आंसर मेरे 8 से ऊपर है और 8 से नीचे, मतलब मैं 8 मानता हूँ, तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 936 आएगा। मुझे कम कितना चाहिए, 36। इस 0.1 की वैल्यू क्या होगी, 11.7 इंटू 3 करूंगा तो 33, क्योंकि 1 से तो पार पड़ेगी नहीं ना मुझे, क्योंकि 1 से माइनस करूंगा तो 11 ही माइनस होगा, ये भी गया, 8 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता, तो बच क्या गया, 7.7। ओके शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देख लो भाई, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 21% एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन शुगर, बाई वॉट परसेंट शुड सी रेड्यूस द क्वालिटी ऑफ शुगर। वही चीज़ है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है तो हमें कंजम्पशन ढूंढना है, सक्सेसिव नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे भाई, 100 से हमारा कितना हो रहा है, 21% बढ़ रहा है मतलब 121, और 100 से मुझे सिर्फ बढ़ाना है 12% मतलब 112। भाई नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने का, 9 का 121 पे इंटू 100 आया ना। अब देखो भाई, इसका 7.56, तो मैं 7.5 लेता हूँ, अब इसका 7.5 तो मुझे 121 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 121 इंटू 7 क्या आएगा भाई, 847। अब मुझे कितना चाहिए भाई, मुझे सिर्फ चाहिए तुम्हारे को 53 आया ना। यदि इसका 0.5 होगा तो इसका 0.5% कितना होगा भाई, इसका 0.5 होगा 60.5 है ना। अब मुझे तो सिर्फ 53 चाहिए और ये 60.5 आ रहा है, मतलब मुझे सिर्फ थोड़ा सा कम चाहिए, 7.5 से थोड़ा सा कम चाहिए है ना, मैंने तो 7.5 किया है ना भाई मल्टीप्लाई, अब 7.5 से मुझे थोड़ा सा कम चाहिए, क्योंकि मेरा आंसर मुझे 53 चाहिए पर मेरे को आंसर आ रहा है 60.5, मतलब थोड़ा सा कम चाहिए 7.5 से, वो थोड़ा सा कम कौन सा है, 7.4। देखो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये देखो मैंने 100 रुपये था, मेरा बढ़ कितना गया 21% से, मतलब मेरा आंसर हो गया 121। अब मुझे सिर्फ बढ़ाना है 12%, मतलब मुझे 112। अब नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा 9 से, तो 9 से डिक्रीज करना पड़ेगा, 121 पे 00 चिपकाऊंगा, 100% है इसलिए। अब 121 को यदि मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, पहले तो 121 को 7 से करूँगा तो 847 प्लस 60.5। अब मुझे तो 53 चाहिए ना 900 में, तो 60.5 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम चाहिए मुझे तो, और थोड़ा सा कम क्या होगा, 7.4। ओके बच्चों, यदि दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोस और लेक्चर आपके लिए ला सकूँ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट में आपको दे सकूँ। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जय हिंद।